दोस्तों, कैम छो। दोस्तों हम लोग खड़े हैं पवार बोर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या तुरकर विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। और कैसे हो, कैम छो, मजा मा, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल फ्रॉम विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल। दोस्तों आज हम आए हैं गोंदिया के हमारे पवार बोर्डिंग के राज गरबा महोत्सव में, जहां पर आज हम यहां की गरबा समिति से मिलकर ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये लोग तैयारियाँ करते हैं 9 दिन और 9 दिन के पहले। आइए हम लोग इन लोग सभी से थोड़ा चर्चा करते हुए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक महीना पहले हमारे समाज के सभी बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और सभी को हम एक साथ बैठाते हैं, एक मंच पे हम लोग सभी बैठते हैं और सभी बैठ के बहुत अच्छे तरीके तैयारी करते हैं कि किस प्रकार से हर समाज के घटक को सम्मान मिले, हर किसी को एक अच्छा स्थान मिले, ताकि एक अच्छा कार्यक्रम, एक पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित कर सके और एक परिवार के बीच में, एक पारिवारिक स्तर पर पूरे समाज का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें विशेष रूप से पवार नवरात्र उत्सव समिति बनाई जाती है। जो समिति के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित होता है, उस समिति को सफल बनाने के लिए पवार प्रगतिशील मंच, पवार प्रगतिशील शिक्षण संस्था, पवार महिला समिति और हमारे जो युवा भाई है पवार नवयुवक समिति, इनका विशेष योगदान रहता है और इन सभी के मेल जोल के साथ एक पारिवारिक बहुत अच्छा 10 दिन का ये नवरात्रि पर्व का आयोजन हम लोग करते हैं, जिसमें हंसी खुशी, राजी खुशी और सभी लोग पूरे परिवार के साथ हंसते खेलते हुए एक आनंद की अनुभूति हम सभी लोग करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद केतन जी। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि सर्वधर्म समाज, क्या गरबा सिर्फ गुजरातियों का होना चाहिए या गरबा सभी समाज का जो हो रहा है वो सही है? पंकज जी पटेल। गरबा सभी समाज का होना चाहिए, इस कारण लोगों का मिलना ये सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है, तो मेरे हिसाब से तो सभी समाज का होना चाहिए। जिस तरह मैंने देखा है कि बहुत सारे जो त्यौहार हैं वो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से बटे हुए हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें मैंने देखा है, सभी जगह पे देखा है, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सभी समाज की महिलाएं हैं, सभी समाज की लड़कियां हैं। और यहाँ जैसे पवार समाज का राजगरबा है तो यहाँ पे पवार समाज के बॉयज़, गर्ल्स, लेडीज़ें और अदर समाज की महिलाएँ इन्वॉल्व हैं, तो जिस तरीके से महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पर पहली चीज़ तो वो सब चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ इतना सेफ है सब चीज़ें, कार्यकर्ता यहाँ के लगे हुए हैं बिल्कुल। पुलिस विभाग का कितना सपोर्ट है आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा बंदोबस्त है इस बार, 11:30 बजे तक के बिल्कुल रहते हैं वो लोग, बहुत अच्छा सपोर्ट है इन लोगों का। चलो धन्यवाद। अभी यहाँ पर हमारी जो पवार समाज की महिलाएँ हैं, आइए हम उन लोगों से भी थोड़ा उनके विचार जान लेते हैं। कैसे हो दोस्तों, कैम छो? दोस्तों हम लोग खड़े हैं पवार बोर्डिंग राज गरबा महोत्सव, बाकी जगह के जो गरबा होते हैं उससे क्या खास बात है आपके पवार बोर्डिंग के राज गरबा महोत्सव की, क्या स्पेशल थीम है यहाँ की, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ कि पवार बोर्डिंग में आके आप हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं। पवार बोर्डिंग में ऐसा है कि यहाँ पर सभी जाति के लोगों को हम लोग मौका देते हैं, खासकर लड़कियों को। सिर्फ जो एक जेंट्स है जो सिर्फ पवार समाज के यहाँ करते हैं, और सिर्फ जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स है, यहाँ सभी लोग दूसरे कास्ट के आते हैं। और एक पहली बात है कि यहाँ बच्ची से लेके तो ओल्ड एज तक के महिलाएं भी सारे बहुत अच्छे से गरबा करती है। किस तरह की तैयारियाँ करते हैं आप लोग पूरे 9 दिन? हम लोग 15 दिन प्रैक्टिस के रहते हैं, हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेटर है वो बहुत अच्छे से दूसरे समाज की लड़कियों को भी हम लोग बहुत प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो लोग भी कर सके, जो दूसरी जगह नहीं जा सकती वो हम अपने समाज में ला के हम उनको एक बढ़ावा देते हैं कि आप लोग भी करिए दूसरे पर। एक पवार देखा जाए तो दोस्तों पवार समाज की एकता और अदर समाज को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे ये लोगों ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, एक बहुत अच्छी बात है। सर्वधर्म समाज और अधिक अपने देश की जो एक विशेषता है, अनेकता में एकता, विविधता में भी एकता, तो उस चीज़ का एक सशक्त तो उदाहरण हमारा पवार बोर्डिंग राज गरबा। तो जिस तरीके से बाकी महिलाएं लोग तैयारी करती हैं, आप लोग कोई भी कुछ स्पेशल तैयारियां रहती हैं? हाँ जरूर। चलो एक बार जोर से जय माता दी के नारे लगा दीजिए, जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों देखते रहिए
हमारे गोंदिया का सबसे प्रमुख चैनल वेदर सम्राट, मैं दिव्या तुलकर आप सभी लोगों का सहृदय धन्यवाद अदा करती हूँ इस न्यूज चैनल के माध्यम से। थैंक यू।